नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बुद्धिमान तोते की कहानी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। कहानी के अंत में तोता ऐसी दो बात बताता है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है हर इंसान के जीवन के लिए, हर इंसान की कामयाबी के लिए। जो बंदा तोते की इन दो बातों पर अमल करता है, उसके जीवन में कभी वो मायूस नहीं हो सकता, कभी वो किसी चीज से दुखी नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, एक बात को आप अच्छी तरह जानते होंगे कि समय एक जैसा नहीं रहता है। समय कब बदल जाए, कब किसकी किस्मत चमक जाए, कब कौन राजा से भिखारी बन जाए और कौन कब भिखारी से राजा बन जाए। प्रिय दर्शकों, समय कभी एक सा नहीं रहता है, इसलिए इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी आपको यही ज्ञान देने वाली है, यही सीख देने वाली है कि इंसान को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति के ऊपर भारी संकट आन पड़े और व्यक्ति को ऐसा लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ के चारों रास्ते बंद हो चुके हैं, चारों दिशाएं बंद हो चुकी है, अब रास्ता मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, यही आज ये कहानी आपको बताने वाली है। मुसीबत हर इंसान के जीवन में आती है, हर खुशी के बाद दुख आता है और दुख के बाद खुशी आती है। प्रिय दर्शकों, लेकिन जब दुख आता है तो इंसान बड़ा दुखी हो जाता है, अपने जीवन से हताश हो जाता है। ऐसे दुख से मुक्ति पाने के लिए, ऐसी विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब इंसान के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर यदि भारी संकट आन पड़ता है तो वो ऐसी स्थिति में क्या करे, उस संकट से निकलने के लिए वो ऐसा क्या करे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल की बात है, एक जंगल में एक तोता रहता था। वो तोता अपने दो बच्चों के साथ रहता था, उसका जीवन बड़ा सुखमयी था, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ अपने बच्चों का लालन पालन करना और जंगल में मस्ती से रहना। उस तोते के नन्हे नन्हे बच्चे बड़े सुंदर थे, बड़े प्यारे थे। उस तोते के बच्चों की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि हर कोई उनका दीवाना हो जाए। तोते के छोटे छोटे बच्चे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। वो तोता भी अपने बच्चों से बेहद प्रेम किया करता था, उनको जी जान से चाहता था। अपने दोनों बच्चों को पाकर वो तोता बिल्कुल संतुष्ट था। उसके जीवन में और किसी चीज की अभिलाषा नहीं थी, किसी चीज की पाने की आशा नहीं थी। वो यही सोचता था कि ऊपर वाले ने मुझे दो छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, यही मेरा संसार है, यही मेरा सब कुछ है। यही सोचकर वो तोता बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था। किसी से कोई शिकायत नहीं थी, अपना जीवन बड़े मजे से जी रहा था, बड़ी खुशी के साथ जी रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर खुशी के बाद दुख आता है। एक दिन का जिक्र है, एक शिकारी उसी जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उन तोते के छोटे छोटे सुंदर बच्चों पर पड़ जाती है। उनको देखकर वो शिकारी मोहित हो जाता है और सोचने लगता है, यदि मैं इन तोते के बच्चे को पकड़कर और राजा को ले जाके दूं तो राजा बड़ा प्रसन्न होगा और मुझे बहुत सारा इनाम भी देगा। यही सोचकर वो शिकारी उन तोते के बच्चों को पकड़ लेता है और उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोते के बच्चों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचता है और जाकर के राजा से कहता है कि महाराज, हम आपके लिए बहुत सुंदर उपहार लेके आए हैं।
और बड़ी दूर से लेके आए हैं। तब राजा कहता है कि क्या लेके आए हो आप हमें बताइए। तब वो शिकारी दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोते के बच्चे को अपने थैले से निकालता है और निकालकर राजा को कहता है कि महाराज हम आपके लिए सुंदर पक्षी लेके आए हैं, दो तोते के बच्चे लेके आए हैं, आपसे विनती है कि आप मेरा उपहार स्वीकार करें। प्रिय दर्शकों, वो राजा शिकारी की इतनी बात सुनने के बाद उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे तोते के बच्चों को देखकर वो राजा बड़ा प्रसन्न होता है और राजा उस शिकारी का उपहार को स्वीकार करता है और उस शिकारी को इनाम के रूप में काफी सारी सोने की मोहर देता है। अब राजा अपने नौकरों को आदेश देता है कि दोनों छोटे छोटे तोते के बच्चों को एक सोने का पिंजरा बनवाया जाए और उसमें इनको रखा जाए। प्रिय दर्शकों, राजा का आदेश पाते ही तुरंत एक सोने का बड़ा सारा पिंजरा आ जाता है, उसमें दोनों तोते के बच्चों को बिठा दिया जाता है। अब महल के सभी लोग, जितने भी महल में लोग रहते थे, सभी उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोतों के बच्चों से बड़ा प्रेम करते। हर कोई व्यक्ति उन तोतों के बच्चों से बड़ा प्रेम किया करता, जो भी आता उन तोतों के बच्चों से बड़ा प्रेम करता। अच्छे अच्छे फल फ्रूट, अच्छी अच्छी चीजें उनको खाने को दी जाती। राजा का एक छोटा बच्चा था, वो भी तोतों के साथ रात दिन खेलता, उनके साथ मगन रहता। राजा को भी जब भी अपने राजपाट से समय मिलता तो वो भी तोतों के बच्चों के साथ खेला करता। प्रिय दर्शकों, उन तोतों के बच्चों की इतनी देखभाल की जाती कि उनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि राजा को पता चला कि कुछ भी चीज की कमी है तो राजा नौकरों की खाट खड़ी कर देते। राजा यही कहते कि इन तोतों के बच्चों को कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। समय से पहले इनको वो चीज हाजिर हो जानी चाहिए जिनकी इनको जरूरत है। ऐसी सुविधा को देखकर, ऐसे ऐसे आराम को देखकर एक दिन दोनों तोते के बच्चे आपस में बात करते हैं। उनमें से छोटा वाला तोता अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई देखिए हमारा नसीब कैसा है, हमें हमारे नसीब पर गर्व होना चाहिए, हमको बिन मांगे वो सब चीज मिलती है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती और महल के तमाम लोग हमसे बेहद प्रेम करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इस महल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमसे प्रेम ना करे और हमारे पास हर वो चीज खाने की है जो हमें जंगलों से भी प्राप्त नहीं होती, हम बड़े भाग्यशाली हैं। तब बड़ा तोता उस छोटे तोते से कहता है कि हां भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस राजमहल में हमको लाया गया और राजा के इतने सारे नौकर दिन भर हमारी सेवा चाकरी में लगे रहते हैं, इसलिए हमें हमारे भाग्य पे गर्व होना चाहिए। और तो और राजा का छोटा लड़का भी हमारे साथ दिन भर खेलता है और हमारा बहुत ख्याल रखता है। दोनों तोते के बच्चे इस तरह की बातें करते हैं और दोनों अपने भाग्य को, अपने प्रभु को, अपने मालिक को धन्यवाद कहते हैं और अपने नसीब पर, अपने भाग्य पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कहते हैं ना प्रिय दर्शकों कि समय एक जैसा नहीं रहता है। अब कुछ समय निकलने के बाद वही शिकारी एक दिन फिर राजा के महल में आता है। उस दिन वो एक काला बंदर लेके आता है। वो राजा से कहता है कि महाराज आज फिर हम आपके लिए बड़ी दूर से उपहार लेके आए हैं। महाराज यदि आप हमारे इस उपहार को स्वीकार करते हैं तो हमारा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा और आपकी बड़ी कृपा हम पे होगी। तब राजा उस शिकारी से कहता है कि आज ऐसा कौन सा उपहार लेके आए हो। तब वो शिकारी एक काला बंदर राजा के समक्ष खड़ा करता है और राजा से कहता है कि महाराज ये बड़ा समझदार बंदर है, आप हमारे इस उपहार को स्वीकार कीजिए। तब राजा उस शिकारी के बंदर वाले उपहार को भी स्वीकार करता है और उस शिकारी को इनाम के रूप में काफी सारी सोने की मोहर दी जाती है। तब वो शिकारी सोने की मोहर पाकर राजा को प्रणाम करके लौट जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसी राजा के महल में वो काला बंदर आता है तो राजा के सभी नौकर चाकर उस काले बंदर की सेवा चाकरी में लग जाते हैं। सभी लोग काले बंदर से प्रेम करने लग जाते हैं
और धीरे धीरे तोतों के बच्चों से सभी का ध्यान हट जाता है। कोई भी उन तोते के बच्चों की सेवा नहीं करता है। अब सभी लोग उस काले बंदर की सेवा चाकरी में लग जाते हैं। सभी लोग उस काले बंदर से प्रेम करने लग जाते हैं। उन तोतों का कोई भी ख्याल नहीं रखता। यहाँ तक कि राजा का लड़का भी काले बंदर के साथ खेलने लग जाता है। काले बंदर के साथ ही खेलता है, उसके साथ ही अपना समय व्यतीत करता है। यहाँ तक राजा भी काले बंदर के साथ खेलता है। प्रिय दर्शकों, वो काला बंदर बड़ा शरारती था। दिन भर उछल कूद करता, इधर उधर घूमता, तो सभी लोग उस बंदर के पीछे पीछे दौड़ते। ऐसा दृश्य देखकर दोनों तोते आपस में बातें करते हैं। तब छोटा वाला तोता बड़े तोते से कहता है कि भाई, इस काले बंदर ने तो हमारा नसीब ही छीन लिया। इस काले बंदर के महल में आने के बाद कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ नजर भर के नहीं देखता है। कोई भी व्यक्ति समय पे हमको भोजन नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति हमको पानी तक नहीं पिलाता है। सभी लोग इस काले बंदर के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। यहां तक कि वो राजा का लड़का भी अब तो काले बंदर के पीछे दौड़ता है। कोई भी हमारे पास नहीं आता। लगता है अब हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। लगता है अब हमारा नसीब कुंडली मार करके सो गया है। अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। छोटे तोते की इतनी बात सुनने के बाद बड़ा तोता छोटे तोते से कहता है कि सुन मेरे भाई, एक पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको गौर से सुनो। और जीवन में आप चाहे कहीं भी रहें, लेकिन इन बातों पर आप जरूर अमल करना। तब वो बड़ा तोता छोटे तोते से कहता है कि मेरे भाई, समय एक जैसा नहीं रहता है। कब किसका समय बदल जाए कोई भी नहीं जानता है। समय कब अपना करवट ले इस बात को कोई नहीं जानता है। कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। कब कौन भिखारी से राजा बन जाए और कब कौन राजा से भिखारी बन जाए। समय हमेशा अपनी रफ्तार से चलता रहता है, लेकिन कब किसका भाग्य बदल जाए और कब किसकी किस्मत फूट जाए, इसको कोई नहीं जानता है। प्रिय दर्शकों, बड़ा तोता छोटे तोते को यह बात बताता है और उसको सांत्वना देता है कि भाई मेरे, चिंता ना करो। समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। आप चिंता ना करो, कभी न कभी फिर से हमारा भी समय आएगा। प्रिय दर्शकों, इतनी बात बड़ा तोता छोटे तोते को समझाता है। अब दोनों तोते यही विश्वास कर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इसी तरीके से उनका कुछ समय निकलता है। अब एक दिन का जिक्र आता है कि वो काला बंदर एक दिन पूरे राजमहल में इतना उदम मचाता है, इतना भगदौड़ करता है कि राजमहल की सभी अच्छी अच्छी चीजों को तोड़ देता है, सभी नौकरों को घायल कर देता है, राज दरबार में रखे हुए बड़े बड़े ग्रंथों को फाड़ देता है, यानी कि पूरी राजमहल में उतल पुतल मचा देता है, उधर राजा के लड़के को घायल कर देता है। तब ये खबर राजा के पास पहुंचती है तो राजा तुरंत आदेश देते हैं कि इस काले बंदर को तुरंत महल से बाहर निकाला जाए और इस बंदर को किसी ऐसे सुनसान जंगल में ले जाकर के छोड़ा जाए जो ये वापिस लौट के नहीं आ सके। प्रिय दर्शकों, अब सभी सैनिक उस काले बंदर को पकड़ लेते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं और पिंजरा उठा करके एक ऐसे सुनसान जंगल में ले जाते हैं और वहां ले जाकर उस काले बंदर को छोड़ दिया जाता है। अब उस बंदर को छोड़ के आने के बाद सभी लोग धीरे धीरे दोनों तोते के बच्चे से प्रेम करने लगते हैं। वही पहले की तरह उनको खाना पीना दिया जाता है, पहले की तरह उनको भोजन दिया जाता है और सभी लोग उन तोतों के बच्चों से प्रेम करने लगते हैं। उधर वो राजा का लड़का भी उन्हीं तोतों के पास आता है और उनसे बातें करता है, उनके साथ अपना समय व्यतीत करने लगता है। तब छोटा तोता फिर से बड़े तोते से कहता है कि भाई, हमारा भाग्य फिर से जाग गया है और फिर से हमारी किस्मत बदलने लगी है, फिर से हमारे दिन अच्छे आने लगे हैं। प्रिय दर्शकों, तब वो बड़ा तोता फिर से दूसरी बात छोटे तोते को बताता है और कहता है कि सुन मेरे भाई,
मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि समय एक जैसा नहीं रहता है। आज मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। इस दूसरी बात को भी तुम गौर से सुनो। पृथ्वी के चाहे किसी भी कोने में रहो, लेकिन मेरी बताई गई इन दोनों बातों पर हमेशा अमल करते रहना और इनको याद रखना। तब वो तोता दूसरी बात बताता है और कहता है कि भाई मेरे, आपका समय चाहे कितना भी अच्छा हो, आपकी किस्मत चाहे कितनी भी बुलंद हो, लेकिन उस पर कभी नहीं इतराना चाहिए। यदि आप उस पर इतराओगे तो आप जब दुख आएगा तो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर, जब आपका भाग्य साथ देता है, आपकी किस्मत साथ देती है, तो आपको कभी भी इतराना नहीं चाहिए। जो लोग इतराते हैं उनका पतन हो जाता है। इसलिए जब भी आपका नसीब साथ दे, आपका भाग्य बुलंद हो, तो आपको कभी नहीं इतराना चाहिए। और जब आपके ऊपर कोई भारी आफत आ जाए, आपके ऊपर कोई भारी संकट आ जाए, तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको हिम्मतार नहीं होना है। विपदा चाहे कैसी भी आ जाए, संकट चाहे कैसा भी आ जाए, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना है। यदि आप हिम्मतार हो गए तो आपका निश्चय ही पतन हो जाएगा। इसलिए विपदा कैसी भी आ जाए, आपको हमेशा दृढ़ विश्वास से काम लेना है, आपको हमेशा हिम्मत से काम लेना है। प्रिय दर्शकों, बड़ा तोता छोटे तोते को ये दो बात समझाता है और बड़े तोते की दोनों बात छोटे तोते को समझ में आ जाती है। तब छोटा तोता अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता है, उनको धन्यवाद कहता है। अब उसके बाद, उस दिन के बाद, दोनों तोतों के बच्चों पर काफी संकट भी आया और काफी खुशियां भी आई, लेकिन दोनों ने हिम्मत से काम लिया। कभी भी किसी संकट में दोनों हिम्मतार नहीं हुए और भारी खुशी पाकर के भी वो कभी इतराए नहीं। प्रिय दर्शकों, यही काम हर इंसान को करना चाहिए। यदि आपका भाग्य साथ देता है, आपकी किस्मत बुलंद है, तो प्रिय दर्शकों, आपको इतराना नहीं चाहिए। जो लोग इतराते हैं उन लोगों का पतन हो जाता है। और प्रिय दर्शकों, जब आप पे कोई भारी विपदा आती है, भारी संकट आता है, तो आपको उसका दृढ़ विश्वास से सामना करना चाहिए, हिम्मत से सामना करना चाहिए। जो लोग मायूस हो जाते हैं, जो लोग संकट को देख करके टूट जाते हैं, उन लोगों का भी पतन हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको हिम्मतार नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। कभी भी अपने जीवन में खुशी आने पर आप कभी नहीं इतराएंगे और जब दुख आता है तो आप मायूस नहीं होंगे, हमेशा हिम्मत से काम लेंगे। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।